मैं पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस कॉम्प्लेक्स में है और ईयर 2018 एक साल में कमीशन ने क्या क्या एग्जाम आयोजित किया बोल के सेक्रेटरी से बातचीत की, आइए देखिए उसका एक झलक। मैंने मैं लास्ट महीना को लास्ट पार्ट ऑफ मे ज्वाइन किया था, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक मैं अभी बता रहा हूँ। मेडिकल ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन मार्च महीना को हुआ था, देन उसका रिजल्ट भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है एंड रिकमेंडेड टू गवर्नमेंट। उसके बाद जून महीना को हम लोग 3 एग्जाम्स कंडक्ट किया है, वो सब है सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर का, देन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। ये 3 एग्जामिनेशन हम लोग जून महीना को कंडक्ट किए हैं। जुलाई महीना में हम लोग जुलाई 4-6 को हम लोग लॉ ऑफिसर का एग्जामिनेशन कंडक्ट किए, देन आफ्टर दैट 7 and 8 जुलाई वी कंडक्टेड एग्जामिनेशन फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद जुलाई का लास्ट पार्ट ऑन 29 जुलाई हम लोग ये कॉम्बाइंड एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी कंडक्ट किए। देन अगस्त में, अगस्त महीना में हम लोग एक एग्जाम कंडक्ट किया, बहुत देर तक पढ़ा हुआ था, वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। अक्टूबर महीना को हम लोग जॉइंट बीडीओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ कॉलेज के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, और ये अक्टूबर 31st एंड नवंबर 1 तारीख को हम लोग सेक्शन ऑफिसर जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट कॉम्बाइंड सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन नवंबर 10 तारीख से होगा। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शुरू हुआ 1988 में, अब तक 30 ईयर्स हो गया। 30 ईयर्स में बहुत सा एग्जाम कंडक्ट किया है कमीशन ने। जब जब मेन एग्जाम कंडक्ट करता तब तब एक ना एक कमीशन का खिलाफ में केस आते रहता है, इसलिए 30 ईयर्स में कमीशन का खिलाफ में बहुत सा केस आया, लेकिन बहुत सा केस का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब तक तो कुछ केस सॉल्व नहीं होके पड़ा हुआ। इन टोटल 25 केसेस में इंक्लूड होता है एक नया केस आया है, जो कि वो आने वाला 10 तारीख में हियरिंग होने जा रहा है।